पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पर मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को सरलीकरण का क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 सॉल्व कराएंगे और ऐसे 10 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो एनटीपीसी ग्रुप डी में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता। पहला नंबर कह रहा है यदि कह रहा है यदि 178 गुणे 34 बराबर 6052 हो तो 6.052 गुणे भागे 17.8 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से सॉल्व करने का तरीका कह रहा है, इसको यहाँ से ध्यान दीजिए, ये सीधे इसके नीचे आ गया है, कितना 178 आ गया है, तो ये आपका 34 हो जाता है, इसको भाग देने पे 34 हो जाता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं जो मान दिया है 6.052 बटे 17.8, इस तरह से इसको दशमलव हटा देंगे, ऊपर एक जीरो हो जाएगा और ऊपर वाला दशमलव हटा देंगे तो यहाँ पर 3 जीरो हो जाएगा, क्योंकि 3 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ था। एक जीरो इसको काट देंगे और 178 को 6052 को काटेंगे तो ये हो गया कितना, 34 बार जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ से इसको भाग देंगे तो ये आपका 34 ही बचता है, तो 34 हो जाएगा। तो 34/100, अब दशमलव कितने, 2 अंक के बाद लग जाएगा तो ये 34.34 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ये बंगलोर और अजमेर में 2001 और 2008 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखें, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे मान क्या होगा। आप पूछ रहा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा, तो का 34% प्लस 64 का 5/8 बराबर 21। तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, एक्स गुणे 30/100 प्लस 64/5/8 बराबर 21, 121 है। अब इसको 8 से 64 को भाग, 8 हटाए 64 हो जाएगा, 1 जीरो ऊपर और 1 जीरो नीचे काट देंगे तो 3x/10 हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा 8 × 45 बराबर 121। इसको इधर राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे, 3x/10 बराबर हो जाएगा 121 − 40, यहाँ से 1 हो जाएगा, 12 × 4 = 8 हो गया, 81, और ये हो जाएगा 3x/10। यहाँ 3 से इसको काट दिए तो 3 × 2 = 6 और 3 × 7 = 21, तो x बराबर हो जाएगा 10 का गुणा 27 में कर देंगे तो 270 हो जाएगा, 270 ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा 253/11 का 23 बराबर क्या होगा। तो यहां से लिखेंगे सीधे, इसका गुणा कर लेंगे, गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 253 × अब इस दोनों का गुणा करेंगे तो 253 आएगा, गुणा करेंगे 3, 2, 3, 2, तो ये हो जाएगा 3, 5 और 2, इस जो तो ये हो जाएगा 253। अब इसको काट लेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1, 1 बार जाएगा तो 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसको देखेंगे, ये सभी क्वेश्चन सरलीकरण का क्वेश्चन है, ये बंगलोर में 2001 में पूछा गया था। तो यक्ष भागे 3 × 5 = 60। अब यहाँ से देखिए इसके साथ में गुणा है तो इसको 5 से काट सकते हैं, 5 × 5 = 5, 5 × 2 = 10, और x/3 = 12, तो x बराबर हो जाएगा कितना, 12 × 3 = 36, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसको देखें, ये सीधे गुणा है 11 × 33, इसको सही फ्रैक्शन में चेंज कर लें, 11 × 33 और 2 = 35, तो 35/3 हो जाएगा 3। अब यहाँ से देखिए, यहाँ ये भाग में है, ये आपका भाग में है तो इसको पलट देंगे, पलट देंगे तो गुणे का निशान, 8 × 5 = 40, 9 = 78, 9 = 72 और 3 = 75, तो 8 ऊपर हो जाएगा और नीचे 75 हो जाएगा, और गुणे 5 × 25, 25 और 3 = 28/3 हो, 5 हो गया।
अब यहां से इसको काटेंगे तो 5 से, देखिए काटेंगे इसको 5 7 35 और क्या बचा, 5। अब इसका क्या करेंगे, गुड़ा कर लेंगे, इसका गुड़ा करेंगे। अब ये कटने वाला नहीं है तो सीधे का 8 7 56 गुणे 28 और नीचे हो जाएगा 5 75 में 3 का गुणा करेंगे तो 5 3 15 1 7 3 21 1 22 225 हो जाएगा। और इसका आपस में गुणा करेंगे, गुणा कर दिए 1568 हो जाएगा और बटे 200 इसको भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 6, ये आपका भाग दे दीजिए तो ये हो जाएगा 6 सही, 218/225 हो जाएगा, इसको भाग देने पे आएगा। तो इसमें से ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ये देखिएगा, कह रहा है इसके बराबर एक हो तो दोनों तारांकितों के स्थान पर कौन सा संख्या रखी जानी चाहिए। तो यहाँ पर कुछ नहीं, मान लेते हैं यक्ष यक्ष रखेंगे और यक्ष में यक्ष का गुणा कर देंगे तो यक्ष स्क्वायर हो जाएगा और एक में कितना करेंगे, 21/189 का कर लेंगे। अब इसको क्या स्क्वायर में दिया है, अंडर रूट हो जाएगा कितना, इसको हटा देंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, 21/189 हो जाएगा। अब 21 का 7 3 21 हो गया और इसका कितना हो जाएगा, 3 से पहले काटेंगे 3 6 18 फैक्टर कर लेते हैं, 189 का फैक्टर करेंगे 3 से काट, 3 6 18 और 3 3 9 फिर 3 से काटेंगे 3 2 6 3 1 3 से काटेंगे 3 7 21 तो ये हो जाएगा 7 × 3 × 3 × 3 तो जोड़ा बन रहा है। देखिए ये जोड़ा बन गया और 3 का 3 का जोड़ा 7 का जोड़ा बन गया, 1 7 निकला, 3 1 निकला और 3 1 निकला। अब इसका गुणा कर लेंगे, 7 3 21 21 3 63 तो ये हो जाएगा 63, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ये आया हुआ लेकिन लंबा है, इसको एक्स और वाई का मान निकालना है। तो एक्स और वाई का मान निकालेंगे कैसे, यहां इस मान में रख दें, इस मान में रखिए, इसमें से कोई एक एक ऑप्शन चॉइस करिए क्योंकि गुणा करने में ज्यादा लंबा जाएगा। तो देखिए इसका गुणा करेंगे, अगर हम यक्ष के स्थान पर रखते हैं कितना, 0.7 तो 7 3 21 कितना हो जाएगा, इसमें अगर 7 रखते हैं 0.7 हो जाएगा तो 7 3 21 2.1 और प्लस 0.5 25 2.5। अब देखते हैं कि अगर 0.5 आ रहा, नहीं आ रहा, इसका मतलब ये आपका ऑप्शन गलत है। फिर अगला देखते हैं, 5 3 15 ये भी नहीं आएगा, 5 3 15 हो जाएगा, देखते हैं ये 0.5 रखने पर 0.5 आना चाहिए, 0.5 नहीं आएगा, इसको सॉल्व करते हैं। यहां से देखें, पहले हम वाई को बराबर कर लेते हैं, वाई को बराबर करने के लिए 0.5 कितना करेंगे, 5 से गुणा और इसमें 7 से गुणा कर लेंगे तो इसका गुणा करेंगे तो 5 7 35 कितना हो जाएगा, 5 5 25 तो ये 2.5x प्लस 5 का गुणा 7 5 35 3.5 हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिए इसका गुणा करेंगे, 0.75 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 5 20 और 7 5 7 5 35 और 37 2 37 और 0.2 अंक के बाद तो इतना हो जाएगा।
और 7 का गुणा कर 7 3 21, 2.1x प्लस 5 का गुणा करेंगे किसमें, 2.7 5 35, तो 3.5 y, 7 5 35, 3.5 हो गया। अब इसको काट देंगे, माइनस माइनस माइनस, यहाँ लिखेंगे घटाने पर, क्योंकि निशान चेंज किए हुए हैं इसलिए कट जाएगा। अब 2.1 में से 1.4, 2.4x आ जाएगा, क्या आ जाएगा, और इधर घटाएंगे 3.7 में से 3.5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, 0.2 बटे 0.4। इसको दशमलव हटा देंगे, इसको काटेंगे तो 1/2, तो 1/2 का मान कितना है, 0.5 हो जाएगा। अब ऑप्शन में देख लीजिए x की वैल्यू कितना आया, x वैल्यू 1 आ गया है तो y का भी वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि अब यहाँ देखिए x की वैल्यू में 0.5 नहीं दिख रहा है, x का वैल्यू देखो 0.5 यहाँ नहीं है, 0.5 नहीं है, यहाँ भी 0.5 नहीं है, तो 1 में आ रहा, c में आ रहा, तो ऑप्शन नंबर c हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आगे भी इसको सॉल्व करा देता हूँ। यहाँ पर अब क्या करेंगे, इसमें रख देंगे 0.5 गुणे, इसमें 0.5 रखेंगे प्लस 0.7 y बराबर 0.74। अब इसको 2.5 कितना हो जाएगा, 5 25, तो 0.25 हो जाएगा, और प्लस 0.7 y बराबर 0.74, 0.7 y बराबर हो जाएगा 0.74, और इसमें से घटाएंगे 2.5। अब यहां से देखिए 14 में से 5 गए, 9 9 5 14, और यहां से 6 में से 2 गए 4, तो ये 0.4 हो जाएगा। यहाँ से 0.7 y बराबर हो जाएगा 0.49, दशमलव हटा देंगे, 7 से इसको काटेंगे, 7 7 49। अब एक अंक के बाद दशमलव यहाँ लग जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा पॉइंट, x बराबर हो जाएगा 0.7 y बराबर, सॉरी y बराबर 0.7 हो जाएगा, तो यहाँ ऑप्शन ये हो जाएगा। तो पहले ही एक x की वैल्यू अगर मिल जा रहा है तो आपको वहीं रुक जाना है, वहीं सॉल्व करना है, इतना लंबा नहीं जाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां देखिए, यहां ये देखिए दशमलव लगा हुआ सब जगह, क्या है दशमलव, यहां पहले सबसे पहले ध्यान देना है कितने अंक बाद दशमलव लगा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे भी देखते हैं कितने अंक बाद है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे भी 9 अंक के बाद दशमलव लगा है, तो दशमलव हटा देंगे, हम सीधे लिखेंगे 324 गुणे 81 गुणे 4204 बटे 1 1525 625 गुणे 229 गुणे 729 और गुणे 64, हम ऐसे लिख लेंगे इसको। अब इसका हमको वर्गमूल निकालना है, क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। अब यहां से वर्गमूल निकालने का निकालेंगे कैसे, यहां देखिए ये अब 324 किसका वर्गमूल है, ध्यान दीजिए वर्गमूल इसका निकल रहा है, ये इसका 18 का है, 81 किसका है, 9 का है, और इसका गुणा करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 68 होगा, आप लोग निकालिएगा। और नीचे देखिए ये 125 का वर्गमूल है, इसको मैं निकाल चुका हूँ, निकालूंगा तो लंबा जाएगा, और 289 का 17 हो जाएगा, और 729 का हो जाएगा 27, और 64 का 8 हो जाएगा, ये हो गया। और 9 से काटेंगे, 9 त्रिक 27, 3 हो जाएगा, और कटेगा ये भी कटे जाएगा, 4, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, और 2 9 18 हो गया। अब जो बचा उसको लिख देंगे, 9 गुणे 6 8 बटे 225 गुणे 17 गुणे 4 3 12,
ये हो गया। अब इसको हम भाग दे देंगे, भाग देंगे तो यहां ध्यान लीजिए, भाग काट पीट दीजिएगा, अब ये आ जाएगा 0.024 आ जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी सही होगा, भाग करने पे लंबा हो जाएगा। गुणा गुणा और भाग करना है इसमें, और कुछ करना नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ देखेंगे 48/12 गुणे 9/8 का 4/3 भागे 3/4 का 2/3। तो यहाँ से पहले हम क्या करते हैं, बॉड मास, BOD बॉड मास, बॉड मास वाला फार्मूला लगाते हैं, और बी फॉर ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट, और ब्रैकेट में सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर उसके बाद में बड़ा ब्रैकेट। तो ये ब्रैकेट होगा, तो ब्रैकेट पहले, सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ते हैं, उसके बाद में ऑफ, ओ फॉर का, ओ फॉर क्या होता है का। अब इसी सॉल्व करेंगे, 48/12 × 9/8, अब यहां से 4/3 इसको पलट देंगे, इसको पलट देंगे तो हो जाएगा 4/3 का 4/3। नहीं, पहले काटना है इसको, देखें पहले अगर काटता है तो उसको काट देंगे। यहां से देखें, पहले काटिए इसको, कर दे, देखिए 4 × 2 = 8 और 3 × 3 = 9, यहाँ से 2 × 2 = 4 और 3 × 3 कट गया। अब बचा आपको क्या, 48/12 हो गया 3/2, और इधर बचा 1/2 भागे 1/2, ये बचा हुआ। इस तरह से इसको सॉल्व कर देंगे। अब इसको क्या करेंगे, पलट दीजिए, 48/12 3/2 / 2/1, फिर इससे ये कट जाएगा। अब यहाँ 3 बचा, अब इसको भाग को लगा लेंगे, 12 × 4 = 48, 4 आ जाएगा गुणे 3, तो ये हो जाएगा 12। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ लेंगे, इसमें देखिए काटना है उसको काट देंगे जो बचा, फिर ये आपका ब्रैकेट के अंदर है, अब इसको इसे इधर से भाग लगा लेंगे, भाग लेंगे 12 × 48, 4/3 हो जाएगा। तो ये यहाँ 3 बचा हुआ और यहाँ पर 4 बचा हुआ, 4 × 3 = 12, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। नेक्स्ट, तो इस तरह से 10 क्वेश्चन समाप्त हुए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।